दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा यूज़ करते हैं और उसका मीन्स ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड भूल चुके हैं या फिर एम पिन भूल चुके हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप उसको मतलब नया पासवर्ड लगा सकते हैं या फिर फॉरगेट कर सकते हैं पासवर्ड को, और न्यू पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एटीएम में चले जाना है, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में। और वहाँ जाने के बाद, एटीएम में जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले कार्ड वगैरह अंदर डाल के सबसे पहले भाषा सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आएगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर लिया है या फिर कोई भाषा जो आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर पिन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लीजिए एंटर पिन पे, और फिर आपको अपना पिन एंटर कर लेना है। पिन एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एम कनेक्ट मोबाइल बैंकिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा तीन, तो फॉरगेट लॉग इन पासवर्ड या फिर एम पिन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर आपको क्लिक करना है प्रेस इफ़ करेक्ट, यानी कि अपना सबसे पहले मोबाइल नंबर फिलअप कर लें, उसके बाद फिर करेक्ट है तो करेक्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, दोबारा आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, प्लीज़ री इंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, और फिर से करेक्ट है तो फिर ऊपर वाले पर क्लिक कर लेना है। राइट, इसके बाद फिर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। तो मैं सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर वेटिंग के लिए प्रोसेस थोड़ा सा चलेगा, प्लीज़ वेट योर ट्रांजेक्शन इज़ बिंग प्रोसेस्ड, और उसके बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एम पिन सेट कर सकते हैं या फिर न्यू पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।